खुद को पिस्तौल भाई बताकर लोगों के बीच अपनी दहशत फैलाने वाला 23 वर्षीय अजय अरुण गायकवाड़ और उसका साथी संभाजी यमुनावाड़ उम्र 21 साल निवासी भोसले बस्ती महालुंगे तहसील खेड़ा नामक अपराधी को रावित पुलिस के डिटेक्शन ब्रांच ने गिरफ्तार करते हुए उनसे 2 देसी पिस्तौल और 5 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे एक होटल के सामने अजय और संभाजी अपने साथ लाई हुई देसी पिस्तौल बताकर स्थानीय लोगों को डरा रहे थे और हम पिस्तौल भाई है ऐसे भी बता रहे थे। तभी इस वारदात की जानकारी रावेत पुलिस के डिटेक्शन ब्रांच को पता चली और उन्होंने छापामारी करते हुए अजय और संभाजी को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तब पुलिस को इन दोनों के पास 2 बिना लाइसेंस के देसी पिस्तौल और 5 जिंदा राउंड प्राप्त हुए, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान ये अहम जानकारी पुलिस के सामने आई कि अजय के खिलाफ इससे पहले भी चाकन और निगड़ी पुलिस थाने में गंभीर रूप के आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। संभाजी पर भी इसी तरह के मामले दर्ज होने के बाद उन्हें चाकन इलाके से तड़ीपार भी किया गया था। तो अब इस मामले में गिरफ्तारी होने के बाद इन अपराधियों से पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस तरह से बिना लाइसेंस के देसी पिस्तौल और जिंदा राउंड उन्होंने कहां से खरीदे थे और इसका इस्तेमाल किस आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए किया जाने वाला था। रावेत पुलिस स्टेशन स्टाफ संतोष कोड़गे, इनको मिली हुई जानकारी के अनुसार रावेत पुलिस स्टेशन का डिटेक्शन ब्रांच एपीआई विशाल जाधव और उनकी टीम ने किवड़े मुकाई चौक यहाँ पे कृष्णा होटल यहाँ से 2 सस्पेक्टेड लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। उनके तरफ इंक्वायरी के दरमियान उनके तरफ से हमें 2 पिस्टल, 5 राउंड और 1 टू व्हीलर ऐसा 93,000 का मुद्देमाल बरामद किया गया है। उनके अधिक चौकसी के दरमियान हमें ये भी मालूम पड़ा कि अजय गायकवाड़ ये एक्यूज जो है उसके ऊपर चाकन पुलिस स्टेशन में 2 साल के लिए हद्दपार किया गया है उसको। इसके पूरे मामले के बारे में एफआईआर दर्ज है रावेत पुलिस स्टेशन में और इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये दोनों संभाजी यमुनवाड़ जो है उसके ऊपर 1 केस रजिस्टर है और अजय गायकवाड़ के ऊपर 3 केसेस रजिस्टर है और अजय गायकवाड़ जो है चाकन पुलिस स्टेशन से 2 साल के लिए हद्दपार किया गया है। वो पूरा पूना जिले से हद्दपार किया गया है।